दहेज के लोभी पति के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन एक पति ने हैवानियत से भी ऊपर उठकर पत्नी के साथ इस तरह दरिंदगी की कि पीड़ित पत्नी का 5 माह में ही बेटा हो गया, जिसका 1 दिन में ही मौत हो गई। दरअसल इंदौर निवासी युवती की 2019 अक्टूबर में नागपुर के राहुल नामक युवक से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही पति अपनी पत्नी के साथ नशीली दवाइयों का सेवन कर उसके साथ लगातार हैवानियत करता था, जिसके चलते 1 माह में ही वह गर्भवती हो गई। जिसके बाद भी पति अपनी पत्नी के इच्छा के विपरीत गर्भवती होने के बाद भी उसके साथ खिलवाड़ करते रहा, जिसके चलते पीड़ित महिला ने 5 माह में ही बच्चे को जन्म दिया और 1 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद दरिंदे पति ने उसे छोड़ दिया। पीड़ित पत्नी ने इसको लेकर इंदौर जिला न्यायालय में परिवाद दायर कर न्याय की गुहार लगाई, जिसको लेकर कोर्ट ने पूरे मामले की जांच के आदेश महिला बाल विकास अधिकारी को दी। जांच में आरोप की पुष्टि होते ही इंदौर जिला न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद संज्ञान लेकर केस दर्ज करने का आदेश दिया। वहीं पति राहुल गिजवे सहित ससुराल जनों को आगामी 10 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि पीड़ित पत्नी ने अपने ही पति पर शारीरिक शोषण सहित मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था, जो महिला बाल विकास अधिकारी द्वारा जांच में सही पाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर केस दर्ज करने के आदेश जारी करते हुए पति सहित ससुराल जनों को 10 फरवरी को न्यायालय में हाजिर होने का आदेश जारी किया है। शादी के बाद से मेरे साथ में वो जबरदस्ती करते थे, रिलेशन बनाते थे। 1 माह में मैं प्रेग्नेंट हो गई थी अप्रैल में, फिर उसके बाद भी उनने मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाए। उसी दौरान मुझे ब्लीडिंग चालू हो गई थी, तो डॉक्टर ने पूरा फुल बेड रेस्ट कहा था, फिर भी वो मेरे साथ रिलेशन बनाते थे। और जब उनके पापा की डेथ हुई थी तो उसमें भी 13 दिन में भी उनने मेरे साथ संबंध बनाए, हमेशा ज़बरदस्ती करते थे, मानसिक और शारीरिक रूप से मुझे प्रताड़ित करते थे। जब मेरा मिसकैरेज हो गया उसके बाद में भी वो लोग आज तक मुझसे मिलने नहीं आए, कभी कोई खैर खबर नहीं लिए, कहते हैं उल्टा कि तुम मेरे कोई काम की नहीं हो, और अब तुम तो प्रेग्नेंट हो गई तो बोलते तुम मेरे कोई काम की नहीं बचो, तुम्हारे को रिलेशन बनाने का ही मना करा है इसलिए बोलते तुम मेरे काम की नहीं हो। और हम फिर मुझे दहेज के लिए परेशान करने लग गए, हर चीज़ के लिए। किस तरह का नशे का सेवन करते थे वो? दवाइयाँ लेते थे वो, और शराब पी के भी करते थे मेरे साथ रिलेशन। ये इंदौर निवासी पीड़िता है, निवासी बजरंग नगर की है। इसका विवाह सन 2019 के अंतर्गत नागपुर निवासी राहुल बिजवे से हुआ था, जो कि नागपुर का निवासी होकर वर्तमान में ये मापूसा डाक ऑफिस गोवा के अंदर पदस्थ असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के ऊपर। शादी के बाद से ही इसने पीड़िता को पति का सुख तो नहीं दिया, लेकिन इसके पर जाकर इसने नारी शक्ति को नीचा दिखाते हुए पीड़िता के साथ यह हर दिन हर समय संबंध स्थापित करता था पति पत्नी के। पीड़िता के द्वारा मना करने पर भी यह इसे सिर्फ एक उपयोग की वस्तु और एक मशीन के रूप में यूज में लेता था। कई बार वो उत्तेजक टेबलेट लेकर पीड़िता के साथ में गलत तरीके से संबंध स्थापित करता था। इन सब चीजों को लेकर पीड़िता ने जब अपने ससुराल जनों को बताया तो सास और देवर ने भी पीड़िता के खिलाफ पति का ही सपोर्ट करा। इन सब चीजों को लेकर पीड़िता कुछ दिनों बाद जब प्रेग्नेंट हुई तो 5 माह की प्रेगनेंसी के दौरान भी निरंतर जब इसको डॉक्टर ने पूरा फुल बेड रेस्ट का बोला था, बेड रेस्ट के बाद भी, और इसको इंजेक्शन लग रहे थे कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, तो इधर पीड़िता इंजेक्शन लगवा रही थी, अपना ट्रीटमेंट चालू रख रही, तो दौरान भी पीड़िता के साथ इसने जबरदस्ती करते हुए रिलेशन एस्टेब्लिश करे, जिसका परिणाम यह हुआ कि पीड़िता को ब्लीडिंग हो गई और 5 माह के गर्भ के दौरान ही बच्चा का जन्म हुआ और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। इन सब चीजों के बाद ही इसी दौरान पीड़िता के पति जो ससुर था, उन ससुर का भी नागपुर में जब देहांत हुआ तो 13 दिन के कार्यक्रम में पिता की अंत्येष्टि और कार्यक्रम में ध्यानचित न होकर वो 13 दिन के साथ 13 दिन भी पीड़िता के साथ में गलत संबंध और इस प्रकार के संबंध पति पत्नी के स्थापित करता रहा। इन सब चीजों को लेकर पीड़िता के देवर जो कि रेल चलाते हैं रेल के विभाग के अंतर्गत, और सास, ये दोनों भी पीड़िता को बोलते थे कि पत्नी को लाते ही इस कारण से, और इसके से पीड़िता का परित्याग कर दिया। इन सब चीजों को पीड़िता ने फिर जिला न्यायालय इंदौर की शरण ली और कोर्ट को बताया कि ये एक ऐसा मामला है साहब जिसके अंतर्गत मेरा पति मेरे साथ हर रोज हर समय मुझे मशीन समझ के मेरे साथ में गंदी मतलब पति पत्नी के सामने स्थापित करता है। मैं चाहती हूँ मेरे पति को सबसे पहले रोक लगाई जाएगा कि वो पत्नी को उपयोग की वस्तु ना समझे, मेरे साथ मेरे इस प्रकार की रिलेशनशिप मेरी मर्जी के बगैर स्टेब्लिश ना करे। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला बाल विकास अधिकारी को जांच सौंपी। जांच में आरोपों की पुष्टि होने जांच रिपोर्ट के पश्चात कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए पति राहुल बिजवे, सास रेखा बिजवे और देवार विशाल बिजवे तीनों के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम की धारा के अंतर्गत इसमें धारा 12 के अंतर्गत इसमें प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए तीनों को आगामी दिनांक 10 फरवरी 2020 को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश जारी करें और तीनों को गोवा में नोटिस निकाले हैं तीनों के खिलाफ। इसका सबसे मेन एक प्रकरण ये भी है क्योंकि पति गोवा में पदस्थ था, गोवा की लाइफ स्टाइल से, गोवा की जो कुछ हद तक जो नकारात्मक लाइफ स्टाइल होती है विलासिता की, उससे प्रभावित होकर टेबलेट लेकर पीड़िता के साथ में संबंध स्थापित करता था।